हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द एपीएफ एग्ज़ाम बुलेटिन, जिसमें आज हम बात करेंगे एसबीआई जूनियर एसोसिएट क्लर्क एग्ज़ाम के बारे में। एसबीआई जूनियर एसोसिएट क्लर्क एग्ज़ाम हर साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई कंडक्ट कराता है, जिसमें सूटेबल कैंडिडेट्स को पोस्ट दी जाती है एसबीआई क्लर्क की, जिसमें कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स का मैनेजमेंट किया जाता है। इस एग्ज़ाम की प्रीलिम्स, मेंस और ग्रुप डिस्कशन या फिर इंटरव्यू की जितनी भी डेट्स हैं वो अनाउंसमेंट के साथ डिक्लेयर होंगी। तो यूज़र से अनुरोध है कि वो हमारी कम्युनिटी फोरम के प्लेटफॉर्म पे, जो कि community.exampathfinder.com हमारा प्लेटफॉर्म है, उसमें आके फर्दर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स हैं विजिट करते हुए देख सकते हैं। इस सेक्शन में हम कैंडिडेट्स को इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम डेट, एप्लीकेशन फ़ी या फिर सिलेबस के बारे में बताएंगे। इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें कैंडिडेट की एज जो है वो अप्रैल 1, 2021 तक 20 से 28 साल तक की होनी चाहिए। आपकी अगर कैटेगरी, आप अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें ऑलरेडी एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी देख सकते हैं। जैसे अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, या फर्दर आप इस टेबल्स में ऑलरेडी गिवन हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो हैं इस एग्ज़ाम की, वो अगर कैंडिडेट की ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। कैंडिडेट अगर फाइनल सेमेस्टर में है अपने ग्रेजुएशन के तो वो भी अप्लाई कर सकता है, बट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू राउंड उसको ज़रूरत होगी ग्रेजुएशन के पासिंग मार्क्स के रिगार्डिंग जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि मार्कशीट है या जो कुछ भी है, वो वेरिफिकेशन के लिए उस टाइम आपके पास होना चाहिए। इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि CA भी, जो कैंडिडेट्स की चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गई है, वो भी एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। अब बात करें अगर एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम डेट की, तो जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं इसमें डेट्स दे दी गई हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन 26 अप्रैल को अपलोड हो गया था, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग प्रोसेस थी वो 27 अप्रैल से स्टार्ट हुई, क्लोज जो लास्ट डेट है वो 20 मई है, कॉल लेटर जो प्री एग्ज़ाम यानी कि प्रीलिम्स का है, प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड है या फिर जितना भी मेंस का एडमिट कार्ड है, इस बात का ध्यान रखें जो प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड है वो अलग डाउनलोड करना है कैंडिडेट को, और देन मेंस का अलग से एडमिट कार्ड है। जो मेंस की एग्ज़ाम क्लर्क की डेट है वो अभी अनाउंस नहीं की गई है, जैसे ही बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा इस डेट को अनाउंस किया जाता है हम आपको अपडेट करेंगे। उसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप हमारे कम्युनिटी फोरम की वेबसाइट को रेगुलरली विज़िट करते रहें। अगर अब हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें क्लर्क एग्ज़ाम की, तो अगर आप जनरल OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ₹750 का एप्लीकेशन फ़ीस जो है पे करना पड़ेगा। अगर आप SC/ST या PWD कैटेगरी से हैं तो आपको कोई भी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस नहीं देनी है। क्लर्क सैलरी की बात करें इस पोस्ट की, तो जो बेसिक पे होगा वो 19,900 से होगा, जिसमें आपके इंक्रीमेंट्स जो भी होंगे वो एड ऑन करके दिए जाएंगे। पे स्केल ऑलरेडी गिवन है टेबल में, आपका पे स्केल क्या रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी क्या है। अब हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, किसी भी एग्ज़ाम को सिलेबस तक जाने से पहले हमें उसके पैटर्न को जानने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसके बेसिस पे हम अपने सिलेबस को डिवाइड कर सकें। जैसे कि अगर हम इसमें प्रीलिम्स के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो उसमें 3 सेक्शंस दिए गए हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जिसको आपको करने के लिए 20 मिनट दिए जाएंगे। ऐसे न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35, रीजनिंग के 35, पर क्वेश्चन 35 नंबर का हो जाएगा, एक पर क्वेश्चन 1 नंबर यानी कि 35 नंबर टोटल, एंड 20-20 मिनट आपको ईच सेक्शन में दिए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो गए, जिसका टोटल मार्क्स भी 100 हो गया, एंड ड्यूरेशन आपको 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर का मिलेगा। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम का था ये।
अब अगर हम बात करें कि मेंस के एग्ज़ाम के बारे में, मेंस का जो भी एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो कैसा होता है, तो इसमें आपको चार सेक्शंस दिए गए हैं: जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ईच सेक्शन के और टोटल मार्क्स गिवन है एंड ड्यूरेशन भी आपको गिवन है। सो टोटल नंबर ऑफ मेंस के एग्ज़ाम में हो जाएगा 190, टोटल मार्क्स हो जाएगा 200 एंड ड्यूरेशन हो जाएगा इसका 2 आवर्स 40 मिनट्स का। पैटर्न के बाद हम क्लर्क के एग्ज़ाम के सिलेबस की बात करेंगे, तो इसमें 3 मेन सिलेबस हैं: रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। रीजनिंग के आपको ऑलरेडी सिलेबस गिवन है कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे, क्वांटिटेटिव एबिलिटी का भी गिवन है जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं, देन इंग्लिश लैंग्वेज का भी सेक्शन गिवन है। टेबल के अकॉर्डिंग आप हर एक सेक्शन को देख सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिलिंग द ब्लैंक्स या पैराग्राफ कंप्लीशन, इस टाइप से आपका सिलेबस डिवाइड कर दिया गया है। अगर अब हम बात करें SBI क्लर्क 2021 एडमिट कार्ड या कॉल लेटर का, तो कैंडिडेट को बैंक के ऑफिशियल बैंक की वेबसाइट पर जा कर के अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड के प्रोसेस के लिए सबसे ज़रूरी है आपको अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर याद रखना, या फिर दूसरा मेथड है पासवर्ड या फिर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि DOB से लॉगिन करके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना। साथ ही जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एडमिट कार्ड का प्रोसेस दो सेक्शंस में होगा, दो स्टेजेस में होगा। सबसे पहले ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, देन वो पेपर देने के बाद आपको मेंस एग्जामिनेशन का अलग से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। ज़्यादा जानकारी जानने के लिए आप हमारे कम्युनिटी फोरम की वेबसाइट यानी कि community.exampathfinder.com की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।